दोस्तों, बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी अब खुलेआम सामने आने लगी है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही जो है मध्य प्रदेश का एक मामला है जहां पे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अफसरों को बल्ले से पिटाई की। यानी कि वो अफसर एक मकान को तोड़वाने के लिए जब पहुंचे वहां पे, तो इनके बेटे जो कैलाश विजयवर्गीय, जो कि अभी पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं, जो अपने शांति दूत बनकर के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके बेटे ने यहाँ पे कोहराम मचा रखा है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आखिर इसमें मामला क्या है, हम आपको पूरा बताते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने की बात है कि जहाँ बीजेपी एक तरफ शांति की बात करती है, उसी तरह से उनके जो है बिगड़े हुए बेटे हैं वो अशांति फैला रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जर्जर मकान को तोड़ने गए नगर निगम के अमले की कार्रवाई से गुस्साए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र, यानी कि इनके बेटे जो विधायक है आकाश विजयवर्गीय, ने क्रिकेट के बल्ले से अफसरों की पिटाई कर दी। यानी कि क्रिकेट बल्ले से अभी तक तो आप लोगों ने मैच खेलते हुए देखा होगा, लेकिन अब जो है पिटाई भी होना शुरू हो चुकी है। ये हमारा नया भारत, ठीक है, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है, यानी कि कोई इसमें बचेगा नहीं, सबकी ठोकाई चालू है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, सूत्रों के अनुसार बुधवार को नगर निगम का दल गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को गिराने पहुंचा था। उसके बाद इसकी सूचना मिलने पर विधायक आकाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंच गए, और जहां उनकी नगर निगम में के अमले से बहस हो गई, तभी आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट का बल्ला लेकर नगर निगम के अधिकारियों को पीटना शुरू कर चुके थे। ठीक है, विजयवर्गीय ने बल्ले से अफसरों की पिटाई भी की। आकाश विजयवर्गीय ने घटना के बाद कहा, नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि अभद्रता कर रहे थे, जिस पर मुझे गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने ये काम कर दिया। वही जो है न्यूज़ 24 के एक जो है एंकर ने जब कैलाश विजयवर्गीय को लाइन पे लिया और उनसे पूछा कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत की है, इस पे आपका क्या कहना है, तो कैलाश विजयवर्गीय साहब, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और बंगाल में शांति दूत बनकर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हुआरी आप होते कौन हो और आपकी हैसियत क्या है। यानी कि मीडिया को भाई को भी अब जो है काला चश्मा लगा लेना चाहिए, और उसकी औकात खुद जो है बीजेपी नेता दिखा रहे, जिसकी वो दरबारीपन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये बीजेपी का नया भारत है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है वहाँ के जो अधिकारी है नगर निगम की, उनकी ठोकाई की गई है। अगर आप इस बात से असहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए, आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।